Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to the webinar that is jointly conducted by PSX and Foundation Securities. So here I'm very thankful to the management and the entire forum of PSX as a regulator, जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया आज का वेबिनार कंडक्ट करने का और हमारी ऑडियंस से इंटरैक्ट करने का. सो वी आर वेरी थैंकफुल द एंटायर क्रू ऑफ पीएसएक्स फॉर कंडक्टिंग सच अ ग्रेट इनिशिएटिव ऑन द वेबिनार साइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वेबिनार. द टॉपिक ऑफ द वेबिनार इज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स एंड एनालिसिस. When we talk about investment product and analysis, it is a broader concept of the investment products available at PSX or associated with analysis. Foundation Securities in this regard providing you the facility on the online forum where we have three different types of the product available, and we can cater the type of the investor and the type of the clients that we can facilitate our services through online portal. So today, the webinar is linked with the analysis and the investment side on the equity market. So let's begin with the webinar. Let's first start with the introduction and then we will come to the presentation side. I myself, Faisal Dhedi, working in Foundation Securities as equity head, along with me, the head of the online department, Mr. Najib Barsi. He is the head of online in Foundation Securities. So let's begin today the webinar, the topic of the investment products analysis. So I would like to, invite the online head, Mr. Najib Barsi, for a presentation to begin with. So Najib, let's start with this presentation. Okay guys, Assalamu alaikum. Thank you, Faisal bhai. Today, once again, we are here to present you PSX Investment Products and Analysis along with Faisal bhai. PSX introduction shuru karte hain. PSX established in 1947, incorporate hua hai 1949 mein with the name of Karachi Stock Exchange. पहले थ्री सेपरेट एक्सचेंजेस थे, कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद. 2016 में इसको इंटीग्रेट किया गया है विद द न्यू नेम ऑफ पीए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. पीएसएक्स की शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो उसके अंदर चाइनीज कंसोर्शियम है, उनके पास 40% स्टेक है अलॉन्ग विद शंघाई स्टॉक, शेंजन एंड चाइना फाइनेंशियल फ्यूचर एक्सचेंज. एंड 60% जो स्टेक है पीएसएक्स का शेयर होल्डिंग है वो है जनरल पब्लिक के पास और including initial shareholder or local and foreign investors. PSX की listed companies की बात करें तो 533 companies जो हैं वो इसके अंदर list हैं और sector wise बात करें तो 35 sectors हैं इसके. Market capitalization approx 8 trillion rupees की है फिलहाल, आजकल तो शायद कमी चल रहा है. Approximate, yes. PSX की जो products है उसको हम discuss करते हैं. Equity side पे PSX में रेगुलर मार्केट प्रोवाइड की जाती है, इसमें जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं जो आइटम्स है वो रेडी आइटम है आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं. और लॉट मार्केट्स है, लॉट साइज डिफाइन किया गया है प्राइस के हिसाब से. प्राइस मैकेनिज्म अगर है उसके अगर लॉट्स 100 या 500 का है तो उस हिसाब से एक अलग से मार्केट होता है, जिस आप और लॉट्स के अंदर भी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं. बट एनडीएम है, ये बेसिकली ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन होती है, नेगोशिएशन डील होती है बायर एंड सेलर्स की जो कि अदर देन मार्केट होती है. ये भी पीएसएक्स प्रोवाइड कर रहा था. इसके अलावा एक रिसेंटली एक जैम बोर्ड इंट्रोड्यूस किया है पीएसएक्स ने, ग्रोथ एंटरप्राइजेज मार्केट. इसमें 25 मिलियन रुपीज से लेकर 900 मिलियन रुपीज तक अगर किसी कंपनी को पता लगे तो वो अपने आप को आके लिस्ट करवा सकता है और उसमें भी ट्रेडिंग हो सकती है. इसके अलावा फिक्स इनकम सिक्योरिटीज जो है उसमें कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट है. कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट जो है उसके अंदर आपको बुक मिल जाता है ट्रेड करने के लिए क्योंकि बैट्स के ऊपर ट्रेड हो रहा होता है और पीएफसी होते हैं. इसके अलावा गवर्नमेंट जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर आपको पीआईबीस के अंदर जो है वो उसकी ट्रेडिंग अलाउ है, वो भी बैट्स के टर्म में देता है.
डेरिवेटिव्स की बात करें तो अभी दो डेरिवेटिव्स हैं मार्केट में, एक DFCs है, डिलीवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो कि पहले 1 month का था, अब वो 3 months का हो गया, बहुत एक्टिव प्रोडक्ट है ये मार्केट का। और इसके अलावा स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर है, इसके अंदर भी काम कर सकते हैं। लास्ट ईयर ETF लॉन्च हुआ था 2019 में। ETF अभी फिलहाल 4 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है बेसिकली, बाहर भी बड़े इसमें काम हो रहा होता है, लोकली भी इसके अंदर बड़ा अच्छा इसके रिस्पॉन्स है, स्लो है लेकिन इसमें रिस्पॉन्स अच्छा है, लोग काम कर रहे हैं, इसको लर्न कर रहे हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी भी इसमें बढ़ा है। फर्दर और भी ETF लॉन्च हो गए, अभी फिलहाल 4 ETF हैं PSX के नाम से। इसके अलावा मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम है, बेसिकली एक लेवरेज प्रोडक्ट है PSX का, जिसको अभी आपको ट्रेडिंग के सपोर्ट में अगर आपको लेवरेज चाहिए तो ये वो प्रोवाइड करता है। ओके ओके, जस्ट टू ऐड हियर फ्यू थिंग्स, जैसे कि नजीब भाई ने हाईलाइट किया ETF के हवाले से, सो ETF इज समथिंग व्हिच इज रिलेट विद द इंटरनेशनल प्रोडक्ट, और उसमें ये होता है कि रादर देन बाइंग अ सिंगल स्टॉक, लेट्स से अगर आप ETF के अंदर हैं और आप बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो आप विद इन ETF बास्केट को खरीद लेते हैं पूरी, और उसके अंदर तमाम बैंकिंग स्टॉक्स अगर वो ETF की बास्केट में डिफाइंड है तो आपको एक बास्केट खरीदने से पूरी बैंकिंग का एक्सपोजर मिल जाता है। इन द सेम वे अगर आप ऑयल सेक्टर में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो आप एक ETF खरीद लेते हैं और उससे पूरी एक्सपोजर आपको बास्केट मिल जाती है ऑयल सेक्टर के हवाले से। So this is how ETF is very popular in the international market. Here we have just introduced in a year or two time. So abhi kuch develop hone mein, it's still under develop. Aur itne zyada products hamare paas ETF ke hain bhi nahi. So I hope so ki future mein iske upar thodi marketing bhi achhi hogi. Aur kuch asset management companies aur aage aayengi develop karne ke liye is particular segment ko. Whereas margin trading system mein to aap pehle se hi waqif hain ki isme hum leverage product bhi isko kehte hain. कि अगर आपके इससे फॉर एग्जाम्पल कैश रिक्वायरमेंट है 100 rupees की तो आपको उसमें मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम में 30% आपको और काम करने का मौका मिलता है इन अ लेवरेज सिचुएशन वेयर यू विल गेट एन इंटरेस्ट लोन, अ काइंड ऑफ अ लोन इन अ लेमेन टर्म अगर मैं आपको समझाना शुरू करूं तो एक आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है और उससे आपका एक्सपोजर 3 times मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मतलब जहां आप कोई चीज 100 rupees की खरीद रहे हैं वहां आप 300 rupees तक की चीज खरीद सकते हैं विद दिस अंडर मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम। हाउएवर जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज की बात कर रहा था, दो इट इज नॉट क्वाइट रेलेवेंस विद अस, हम तो शेयर्स मार्केट में ज्यादा काम कर रहे होते हैं, बट चूंकि शेयर्स मार्केट को आम जबान में या आम फहम में या फाइनेंस की लुगत के अंदर आप इसको कैपिटल मार्केट के नाम से जानते हैं, तो कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन ये होती है कि हर वो सिक्योरिटी जो लॉन्ग टर्म के ऊपर होती है जिसमें 1 साल और 1 साल से ज्यादा की सिक्योरिटी ट्रेड होती हो वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा बनती है। तो शेयर्स मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। अलोंग विद दैट जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, जैसे टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट नजीब भाई ने हाईलाइट किया, PIBs हाईलाइट किए, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ये सब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर कैटेगराइज होते हैं, तो ये पार्ट होते हैं हमारे फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में। इसकी प्राइमरी मार्केट अलग डेवलप हुई भी है, बैट्स के अंदर अलग डेवलपमेंट है, तो जरा वॉल्यूम रिलेटिव टर्म्स में कम होता है, बट ये भी एक मैच्योर सेगमेंट है जिसपे काम किया जा सकता है और ये फिक्स इनकम की विंडो को भी ब्रॉडर एक्सपेंड कर सकता है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। जो कि हमारा जो फोकस पॉइंट होता है वो है हमारा एक्विटीज के अंदर, जो कि हम ये देख रहे होते हैं कि स्टॉक मार्केट को किस तरह डेवलप करना है, किस तरीके से उसकी मार्केटिंग करनी है, तो एक इंडिविजुअल या एक इंडिविजुअल की सेविंग्स जो होती है उसको किस तरह मोबिलाइज करना है। आप सबसे पहले जब कोई जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है या कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपकी कोई ना कोई इनिशियल प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग में मल्टीपल चीजें होती हैं कि वेदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अपने आप के अंदर ही हम एक सवाल पूछते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टर आर वी। सपोज एम आई अ रिस्क अवर्स, मतलब कम रिस्क लेने वाला हूं, या एम आई अ रिस्क टेकर, ज्यादा रिस्क लेने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ब्रॉडर एंगल में आप अपना रिस्क आइडेंटिफाई कर देते हैं। जब आपको समझ में आ जाता है कि मेरा रिस्क लेवल ये है कि मैं बैलेंस टाइप में भी जा सकता हूं या मैं हाई रिस्क की तरफ भी जा सकता हूं, तो फिर आप कॉन्टेक्ट करते हैं टू द लेवल ऑफ डिफरेंट मार्केट्स जिसमें आप अपनी इनिशियल वर्किंग स्टार्ट करते हैं और फिर अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं। क्योंकि बेसिक इकोनॉमिक्स क्या सिखाती है हमें कि आज की इन्वेस्टमेंट, आज की सेविंग्स जो भी होगी वो आप इन्वेस्टमेंट में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो आपके फ्यूचर के कैश फ्लोज बेहतर होंगे। तो जाहिर सी बात है अगर आपकी लिमिटेड इनकम है या इनकम का ब्रैकेट अगर सेम है तो वो जिंदगी भर 5 साल तक वही खर्चों को तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी ना,
या उसको आपको कंफर्ट जोन में लाने के लिए अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आप उसको बेहतर बनाते किस तरीके से हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं सेविंग्स में कन्वर्ट करते हैं. और सेविंग्स कहाँ कहाँ हो सकती है पाकिस्तान के मार्केट के अंदर. यू हैव राइट नाउ द ऑप्शंस ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मनी मार्केट, रियल एस्टेट सेगमेंट, कमोडिटीज एंड सो कॉल्ड राइट नाउ क्रिप्टो करेंसी एज़ वेल. सो यू हैव वेरी लिमिटेड फोरम्स और उसमें अपना अपना अलग अलग रिस्क डिफाइंड हुआ हुआ होता है. तो कभी भी अगर कोई इन्वेस्टर आपके पास आके पूछता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहला बुनियादी सवाल यह है कि उसको मार्केट के डायनामिक्स समझाओ कि हैं क्या मार्केट के डायनामिक्स. क्योंकि जनरल फिनोमिना ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म अपने आप को कहते हो या आप अपने आप को कहते हो कि मैंने जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म का बुनियादी मकसद ये होता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम 3 years एंड मैक्सिमम 5 years विच इज वॉट द इंटरनेशनल प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट. सो वॉट वी आर ट्राइंग टू से कि फॉर गॉड्स सेक लॉन्ग टर्म का मतलब लॉन्ग टर्म ही रखिए. अगर सपोज मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है कोई इन्फॉर्मेशन पे मार्केट थोड़ी नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है डज नॉट मीन कि आपकी इन्वेस्टमेंट का लॉस हो रहा है. यू आर फोकस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म, योर ऑब्जेक्टिव इज फोकस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म वेयर यू आर एक्सरसाइजिंग द डिविडेंड एंड देन पार्टिसिपेटिंग ऑन द कैपिटल गेन साइड. तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं अक्सर सुनता हूँ मेरे 15 साल के करियर के अंदर कि बहुत सारे लोगों को अभी तक यही समझ में नहीं आया कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का गैप क्या होता है. फिर आप डिसाइड करते हैं कि वेदर आर यू कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग इन एक्विटीज. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एक्विटीज इज कि शेयर्स मार्केट. आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना कंफर्टेबली अपने आप को समझते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इस तरह डिफाइंड है, आपकी पर्सनैलिटी में इतना कंफर्ट जोन और पेशेंस लेवल है टू आइडेंटिफाई एंड टू कंसल्ट विद ऑल टाइप ऑफ वॉलेटिलिटी जो आजकल हो रही है तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड फोरम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अच्छे इन्वेस्टर्स के लिए. अच्छे से मेरी मुराद है मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा प्रॉमिसिंग एरिया है रिटर्न कमाने का. अगर आप ओवर द कर्व देखें, अगर आगे मैं आपको ग्राफ में शो भी करूंगा कि हम देखेंगे कि किस तरह 10 साल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5 साल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर किस तरह कितने अच्छे रिटर्न बन रहे होते हैं. बट इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ पेशेंस. रोज की मार्केट नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप ट्रेडिंग फ्लेवर को भी अवेल करना चाहते हैं तो यस यू कैन डू विद द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफ से 20%, 30% और रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वुड बी मार्क्ड एज लॉन्ग टर्म जिसके साथ एक कैपेसिटी ऑफ फंडामेंटल्स इंटैक्ट रहे. जैसे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर बैंकिंग सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है जो दुनिया भर की मार्केटों से डर्ट चीप है, वेरी चीप रेट पर हमें मिल रहा है. तो एक बायर की साइकी क्या कहती है कि जब हम किसी स्टॉक्स को ऑप्ट करने जाते हैं, बाय करने जाते हैं तो हमारी साइकोलॉजिकल लेवल ये हमें इनवाइट करता है कि हम उसको चीप लेवल पे बाय करें. एंड दैट इज व्हाट वी हैव इन एशिया. पूरे एशिया रीजन के अंदर पाकिस्तान की एक्विटीज सबसे सस्ते पीई मल्टीपल पे इस वक्त अवेलेबल है. सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज फॉर द अपॉर्चुनिस्ट. अगर आप अपने सेविंग्स को मोबिलाइज करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करना चाहते हैं सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट तो आपका अच्छा रिटर्न बन सकता है. आपको वो रिटर्न आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपके साल के आखिर में रिटर्न्स को और ग्रोथ दे सकता है. तो उसका फर्स्ट एंड ऑल जो फाइनल कंक्लूजन होता है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होता है. उसमें आप बेशक छोटा पोर्शन 10%, 20% अपने रिस्क लेवल के साथ अगर शॉर्ट टर्म प्ले करना चाहते भी हैं तो इट्स इंटायरली इंडिविजुअल कॉल, इंडिविजुअल क्लाइंट एपेटाइट. वो आराम से वो उसको एड्रेस कर सकता है. सो दैट स्लाइड्स शोज द फ्लो चार्ट एक्चुअली कि कहां से प्लानिंग स्टार्ट की और कहां सेविंग्स करके आप एक्विटीज में इन्वेस्ट करने आते हैं एंड सेलेक्ट द ब्रोकर जिसके थ्रू आप अपनी एक्टिविटीज को फर्दर परसू करेंगे, ट्रेडिंग एक्टिविटीज को फर्दर परसू करेंगे. इन अ केस फाउंडेशन सिक्योरिटीज कुड बी योर ब्रोकर जिसको आप सेलेक्ट करके आप अपनी ट्रेडिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्टिविटीज को भी. और अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं तो आप डायरेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम्स के जरिए, कैश टर्मिनल के जरिए भी by calling the you know or recorded lines ke upar bhi aap kaam kar sakte hain. All right, I hope I am clear enough. Now moving forward to the next slide, we have agar main is slide ko dekhen to hum comparison karna cha rahe hain investment sites ke upar ki kis tarike ka investment areas hamare paas available hai. Zahir si baat hai jab main aapko koi baat kahunga ki aap equities attraction kar rahi hain investment ke liye I should have some benchmark, you know, ताकि मैं on table आपके सामने वो चीज रखूं कि भाई आपको यहाँ से तो इतना मिल रहा है, यहाँ से तो इतना मिल रहा है. अगर आप long term focus करके stock market में आते हैं
तो यहां से आपको ये रिटर्न मिल रहा है। पहला बुनियादी लेसन ये भी समझने की जरूरत है, एंड आई एम श्योर बहुत सारी ऑडियंस हमारी अवेयर होगी इस मामले के ऊपर, कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो रिटर्न आता है शेयर्स से, वो दो चीजों से आता है। नंबर वन डिविडेंड के ऊपर, और नंबर टू कैपिटल गेन के ऊपर। आप पहला डिविडेंड से रिटर्न को ऑर्गेनाइज करते हैं, और दूसरा पार्ट आपका आता है कैपिटल गेन से। अब जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं वो कैपिटल गेन पे ज्यादा फोकस करते हैं, और जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं वो डिविडेंड पे ज्यादा जाते हैं। तो इट्स एंटायरली अप टू यू। एक इंडिविजुअल आके हमसे खुद ही कहता है कि मेरा फोकस लॉन्ग टर्म है डिविडेंड पे, तो उसके लिए अलग मार्केट है, अलग स्टॉक्स है, अलग सेगमेंट ऑफ स्टॉक्स है। और अगर कोई शख्स आके मुझे कहता है कि नहीं जी मुझे तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्ले करना है, मुझे ट्रेडिंग के अंदर एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए नंबर ऑफ स्टॉक्स की लिस्ट अलग है। उसके लिए जाहिर सी बात है वो स्टॉक्स होंगे जो ज्यादा कैपिटल गेन या वॉलेटिलिटी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होंगे। सो लाइकलीहुड, दीज आर ऑल द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिपिक्ट टू यू, राइट? ये इन्वेस्टमेंट आइडियाज होते हैं। आई एम नॉट वेरी मच कंसर्न, आई एम नॉट वेरी मच जिसको कहते हैं पॉजिटिव ऑन द नोट दैट के टिप ये मिल रही है या यहां से ये मिल रहा है। दैट्स डू काउंट 20%, लेकिन हमेशा लॉन्ग टर्म पे जो कामयाबी आपको देगा वो इकोनॉमी, पढ़ी लिखी बातें जिसको आप आम जबान में फंडामेंटल्स कहते हैं, और उसके ऊपर प्रोजेक्टेड आपका जो पोर्टफोलियो बनेगा वो आपको लॉन्ग यील्ड पे अच्छा रिटर्न देगा। आप कभी स्टॉक मार्केट को किसी एंगल में भी ये नहीं समझेंगे कि ये तो स्पेकुलेटिव मार्केट है। नो, इट्स अ वेरी बैलेंस्ड मार्केट, वेरी बैलेंस्ड मार्केट इफ यू प्ले टेक्निकली, इफ यू प्ले फंडामेंटली, बोथ एंगल्स होने चाहिए आपके पास, then you will be in a good level at the end of the year. All right, so what I'm trying to compare here is ke we have stock market ka hamesha se upper end raha hai return ke andar. Is return ko main yun dekhta hun ke return ko ek saal pe mat dekha karein. Jab bhi risky market mein aate hain, kisi bhi risky platform mein, to return ek saal ki kabhi bhi baat nahi hoti hai, bahut short tenure hota hai. हो सकता है हमारी गवर्नमेंट पॉलिटिकल इश्यूज पे हो, बात कोई चल रही हो, या हो सकता है इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी डाउन हो, तो हम एक साल पे तो उसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। तो याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पे भी बात करें, या स्टॉक मार्केट में भी, या अपने जाती पोर्टफोलियो पे भी बात करें, तो लॉन्ग टर्म इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप 3 साल और 5 साल के ऊपर बात करते हैं, तो उसके एवरेज पे रह के बात करें तो आपको समझ में आएगा कि एवरेज क्या रिटर्न बना है। एक साल तो हो सकता है परफॉर्मेंस वॉलेटाइल हो सकता है 2 साल भी वॉलेटाइल हो, बट तीसरा साल आपका फिर इतना अच्छा होगा कि वो एवरेज को ऑफसेट कर देगा। ठीक है, दैट्स व्हाट हियर इट्स मेंशन। सुपीरियर रिटर्न है हमारे स्टॉक मार्केट में कंपेयर टू नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। जो ओवरसीज पाकिस्तानी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी वेंचर है कि आप इसमें अपने रिटर्न को मोबिलाइज कर सकते हैं, अपने रिटर्न को ज्यादा वो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लेवल। फिर एक्विटीज वर्सेस रियल एस्टेट। आई एम नॉट क्लेमिंग रियल एस्टेट इन टर्म्स ऑफ सरप्लस और द कैपिटल गेन, क्योंकि बेचने वाला तो जब बेचेगा तो उस वक्त कितना गेन होता है उस पर तो देर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। रियल एस्टेट को आम किताबों की जबान में या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की जबान में रेंटल की टर्म्स में समझा जाता है कि रियल एस्टेट से आपने रेंट में क्या कमाया। तो वो आपको, आप खुद जानते होंगे कि आप जो प्रॉपर्टी लें उस पर अगर आप रेंट पे देते हैं तो रेंटल यील्ड आपकी बड़ी कम होती है साल की, हो सकता है 4%, 3.5-4% के करीब पाकिस्तान में रेंटल यील्ड चलती है। ठीक है, इसके बाद जाहिर से बात अगर आप कोई प्लॉट बेचते हैं तो वो एक एक्सेलरेशन हम लास्ट 10 साल में देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ आई है ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी महंगी हो गई है, और एक एपेटाइट भी क्रिएट हो गया नया मार्केट सेगमेंट का इन डिफरेंट क्लोज लूप सोसाइटीज के अंदर रहते हुए। ठीक है, तो रियल एस्टेट का कैपिटल गेन पोर्शन अलग है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सालाना इनकम से घर चलाने वाली बात कर रहे हैं तो इससे 4-4.5% से ज्यादा का रिटर्न रेंटल फॉर्म में नहीं होता। तो और दूसरी बात है कि रियल एस्टेट को खरीदना और बेचना इज रिलेटिवली टफर, इट्स टाइम टेकिंग, एक्चुअली एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक्विटीज के अंदर ऐसा नहीं होता, अगर आपको कल पैसों की जरूरत है तो लिक्विड फॉरन हो जाएगा। आई एम सेइंग लिक्विड फॉरन हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं कर रहा। लेट्स से मैंने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ एक स्टॉक खरीदा लेकिन मुझे पैसों की जरूरत आ गई, कोई नीड है मेरे पास, तो वो नीड मेरी फॉरन से फुलफिल हो जाएगी वाइल सेलिंग दो स्टॉक, नो मैटर व्हाट प्राइस इट वुड बी, बट मेरी कैश की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो जैसे मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखा है, ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट वर्सेस कॉम्प्लेक्स रियल एस्टेट। रियल एस्टेट को खरीदना और बेचना इतना आसान नहीं है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, ओनरशिप सिक्योरिटीज इन एक्विटीज वर्सेज ओनरशिप रिस्क इन रियल एस्टेट। आप जब शेयर्स खरीदते हो उसी दिन से आप उसके ओनर बन जाते हो,
लेकिन आप रियल एस्टेट में आप जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो यू हैव टू कन्वर्ट इट ओनरशिप बाय योर नेम। फिर आजकल आप देख रहे हो कि फिर देन कुछ लैंड के भी इश्यूज आ जाते हैं कि लैंड प्रॉपरली लीगल है या नहीं है। सो देयर आर सो मेनी कंसर्न्स। आई मीन एज अ रॉ ऑडियंस, एज अ रॉ इन्वेस्टर, मुझे यही नहीं पता होता कि मेरी जो जगह पे मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ वो लीगल है या नहीं है, या ये कब आउट ऑफ लैंड हो जाएगी, या कब उसका मालिक ये कह देगा कि ये तो जगह इलीगल हो गई है बाय द सो कॉल्ड सुप्रीम अथॉरिटीज, राइट? सो इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड रियली इट मींस इट्स रियली कॉम्प्लेक्स। हम दिन रात अपनी मेहनत करके अगर अपनी सेविंग्स करते हैं तो सेविंग्स को क्यों करते हैं हम, कि कल हमारे लिए एक अच्छा फ्यूचर हो, तो वो थोड़ा सा एक कंसर्न आ जाते हैं रियल एस्टेट के अंदर। आई एम नॉट सेइंग ऑल द इंडस्ट्रीज इन डार्क बट देयर आर फ्यू, तो उसका चेक एंड बैलेंस करना बहुत लाजमी है। तो जहां आप इन्वेस्टमेंट करें 10 बार सोच सोच के और उसकी पूरी स्क्रूटनी करके करें। अदर वे अराउंड एक्विटीज बहुत ट्रांसपेरेंट है, जैसे आज आपने कोई शेयर्स खरीदे, शाम को आपकी ईमेल के अंदर ये या उसी वक्त आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में आज ये शेयर्स की बाइंग हुई है। वो पुराने जमाने चले गए जब किसी वक्त में ये कहा जाता था कि ब्रोकर्स के थ्रू शेयर्स हमारे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, किस अकाउंट में काम हो जाता है। दैट्स ऑल गॉन नाउ। द ट्रांसपेरेंसी इज वेरी वेरी हाई, कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी वेरी हाई, तो एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, एवरीथिंग इज चैनलाइज। क्लाइंट को हम प्रेस्टीज समझते हैं, उनको एक रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी एवरीथिंग उसी वक्त एड्रेस की जाती है। बिकॉज सिंस इट्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो हम आपको हर वक्त लूप में रखते हैं कि आज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। शाम को डे एंड के ऊपर आपको ईमेल भी आ जाती है कि जनाब आज आपके अकाउंट में ये बाइंग हुई है, आपका लेजर ये कहता है, एंड एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट। बाय अ सिंगल कॉल यू नो व्हाट्स योर लेजर इज। सो दैट इज व्हाट द बेनिफिट्स ऑफ कमिंग टू द एक्विटीज इन कंपैरिजन विद द अदर रियल एस्टेट रियल क्लासेस, राइट? जो मैंने अभी बात की उसको हम यहाँ पे ग्राफिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैंने आपको ये भी कहा था कि स्टॉक्स में दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, डिविडेंड का पार्ट और कैपिटल गेन का पार्ट। That is mentioned at the bottom side of the graph, कि हमें या तो dividend से income मिलेगी या capital gain से मिलेगी। If you compare Naya Pakistan certificates, so in Pak rupee के अंदर उसका return yearly annualized 11% है, US dollar के अंदर 7% है, और pounds के अंदर 6.5% के करीब है, और euro के अंदर आपका 5.75 के करीब है। तो you can easily compare कि ये Naya Pakistan certificate का जो मैंने highlighted रखा हुआ है to the right, एक्सट्रीम राइट, ये चार कंपोनेंट्स आपको डिफरेंट करेंसी में रिटर्न को कंपोजिशन बता रहे हैं। एंड टू द लेफ्ट पाकिस्तान एक्विटीज का रिटर्न 3 साल का मैंने ले लिया है। कैलेंडर ईयर 19 के अंदर हमारा रिटर्न ऑलमोस्ट 16-17% के करीब रहा है, कैलेंडर ईयर 20 के अंदर हम ऑलमोस्ट 15% के करीब रहे हैं, और कैलेंडर ईयर 21 टिल टू डेट अभी नवंबर तक 11 महीने का जो बना है वो रफली 20-21% के करीब का बन रहा है। सो आई थिंक तमाम साल को अगर आप देखें तो वो सुपरसीड कर रहा है Naya Pakistan सर्टिफिकेट के बेंचमार्क रिटर्न को, ठीक है? तो फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स या 10 साल का डेटा ले लें, आपको फिक्स इनकम से एक्विटीज हमेशा अच्छा रिटर्न देगी। मैं भी बहुत सारे फोरम्स पे जाता हूँ तो अक्सर मैं भी सुनता हूँ कि बहुत सारे लोग कंप्लेनिंग भी होते हैं कि यार स्टॉक मार्केट में तो हमने लॉस कर दिया। अगेन आई एम सेइंग द मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, द वर्ड इज वेरी ब्रॉडर, मनी मैनेजमेंट। आप शॉर्ट टर्म पे एक दिन का सट्टा या 10 दिन का सट्टा करने आएंगे या स्पेकुलेटिव एक्टिविटी करेंगे तो यू माइट लूज ऑल द कैपिटल मनी, आप जो लाए हैं वो सब लूज कर जाएंगे, और मे बी इट गेट्स डबल, हाई रिस्क हाई रिटर्न। बट व्हेन यू कम टू द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, व्हेन यू कम टू द टाइमलाइन मैनेजमेंट के साथ मनी मैनेज करेंगे सो आप बहुत अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। दैट विल एड सर्टन सोर्स ऑफ इनकम into your annual return. जो भी आपका जो savings है उसके अंदर ये incremental cash flows ही create करेंगे आपके लिए। तो that is what the fixed income comparison with the equities. Let's move on. Now this will the that's very interesting. See, it's a comparison of average return from 2011 to 2021. And that is something very, very interesting. See the different asset class showing on the bottom. The graph itself is quite readable. If I start with the very right segment, deposits, bank deposit, na aapko 10 saal ke andar average return jo diya hai, wo 5% diya approximately. Main approximation liya hai,
और वो नियर बाय 10 साल के एवरेज के करीब ही बन रहा है, ठीक है। गोल्ड के अंदर आपका चूंकि डॉलर की मूवमेंट बड़ी एबनॉर्मल रही और लास्ट टू ईयर्स में बड़ा वॉलेटाइल रहा है, मैंने इससे पहले इतनी वॉलेटाइलिटी नहीं थी गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड का एनुअलाइज रिटर्न 10 साल का 6.9% के करीब रहा है इन डॉलर टर्म्स की करेंसी में हम जब कन्वर्ट करते हैं। तो इन्फ्लेशन पाकिस्तान की एवरेज 10 साल की जो रही है वो 7.3% रही है, जिसमें ऑलमोस्ट 2 साल तो आप पेंडेमिक के ही ले लें। टी बिल्स जो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म वाले टी बिल्स जो गवर्नमेंट बैक है उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट की भी है उन बॉन्ड्स में तो वो 7.6% एनुअलाइज रिटर्न आपको दिया है लास्ट 10 ईयर्स। PIBs जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं ये भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स कहलाते हैं, इसको आप रिस्क फ्री भी कहते हैं कि ये आपके लिए एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के तौर पे होते हैं। ये PIBs ने आपको एनुअलाइज 9% का रिटर्न दिया है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। एंड देन नेशनल सेविंग स्कीम्स, इन दिस वे नेशनल सेविंग स्कीम्स अब आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं, डिफेंस सेविंग, स्पेशल सेविंग, बहबूद सेविंग, यू नो देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज एंड दे आर एड्रेसिंग मल्टीपल कैटेगरीज विद द मल्टीपल सिटीजनशिप एजिंग क्राइटेरिया एंड अदर थिंग्स, राइट। सो NSS के अंदर आपके पास एवरेज अगर तमाम स्कीम्स का ले लें तो उसमें बहबूद के अंदर जरा ज्यादा होता है बाकियों के मुकाबले में, तो अगर हम एवरेज भी ले लें तो 9.4% के करीब इसका एवरेज रिटर्न बनता है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। एंड इफ यू कम टू द स्टॉक मार्केट दैट इज द KSE 100 इंडेक्स एज अ बेंचमार्क इंडेक्स, क्योंकि हम जब भी बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो वी हैव इन आवर माइंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो बेंचमार्क इंडेक्स इंटरनेशनल मार्केट तक भी देखा जाता है वो है KSE 100 इंडेक्स। KSE 100 से मेरी मुराद ये है कि 100 कंपनीज का बास्केट, 100 कंपनीज की वो लिक्विड बास्केट जिस जिसको इंडेक्स रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज KSE 100 इंडेक्स का लास्ट 10 ईयर्स का जो रिटर्न बना है वो 14.6% बना है और जिसने सुपरसीड किया है तमाम एसेट क्लासेस को ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। तो अब मुझे बताएं कहां मार्केट खराब है, किसके लिए मार्केट खराब है, किन के लिए मार्केट खराब है। तो अब दैट इज दीज आर द ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो आप खुद अपने आप से पूछ सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। अगर 2011 का इन्वेस्टर आज 2021 तक बैठा हुआ है और बेस्ट स्टॉक्स में KSE 100 इंडेक्स की बेंचमार्क इंडेक्स की किसी भी एक स्टॉक के अंदर या दो स्टॉक्स के अंदर बैठा हुआ है तो उसका 14.6% एनुअलाइज रिटर्न बन रहा है। अगर मैं ब्रॉडर टर्म में इंडेक्स की बात कर लूं तो इंडेक्स लेवल पे ही अगर आप लॉन्ग टर्म फोकस करते हैं तो यू विल एंडेड अप एन एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 14.6% एंड दैट इज फ्रॉम 2011 टू 2021 द लास्ट 10 ईयर्स दैट हैव अ रिटर्न ऑब्जेक्टिविटी ऑफ 14.6% एनुअलाइज। सो माय फोकस इज अगेन ऑन द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, try to build up your portfolio in a way that 80% should be targeted for long term and 20% you may avail for the short term trading profile depending upon your risk profile, whether your risk is higher or lower usko dekhte hue aap apne hisab se usko monitor karte hain। So this is a very best explanation comparison from 2011 to 2021। इसमें तमाम asset class आपके सामने आ गया। अब question ही कोई नहीं रहा कि कहाँ हम fall करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। Depending upon your risk profile, ask the question of yourself whether what type of investor you are. Are you a risk averse? Then your segment is towards the right skew. And if your risk appetite is relatively high, तो आप लेफ्ट की तरफ प्रोजेक्टेड है। तो अपने आप को आइडेंटिफाई करें एंड देन ट्राई टू बिल्ड अप योर इन्वेस्टमेंट और उसको अकॉर्डिंगली प्लान करें। सो आई होप आई एम क्लियर इनफ इन फॉर दिस पर्टिकुलर स्लाइड, लेट्स मूव ऑन। ओके, दिस इज व्हाट द KMI 30 वर्सेस इमर्जिंग मार्केट्स का 10 ईयर्स के रिटर्न का कंपैरिजन है ग्राफ के अंदर। सो आपने यहां पर भी देखा कि KMI 30 ने आपका परफॉर्मेंस लेवल को इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स से 10 ईयर्स के रिटर्न पे आउट परफॉर्म किया है एंड दैट शोज इन द ग्रीन कलर, राइट। दिस इज KSE 100 वर्सेस MSCI इमर्जिंग इंडेक्स। इमर्जिंग का इसलिए बात की है कि अभी लेटेस्ट हम फ्रंटियर के अंदर मूव हुए हैं, प्रीवियस कंपैरिजन जो हमारा था वो इमर्जिंग के साथ ही था। अब लेट्स सी कि नहीं जब बाइंग फॉरेनर्स की तरफ से आती है इन द फ्रंटियर सेगमेंट तो वो हम देखेंगे कि कितना पूल है उसका कितना पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। तो ये अभी पोस्ट नवंबर जो कहानी आएगी, आई मीन दिसंबर के महीने के अंदर की है, लेकिन हम अभी यहाँ पे नवंबर तक हैं टिल कैलेंडर ईयर 2021। तो ये जो 11 मंथ की परफॉर्मेंस है उसमें हमने इमर्जिंग का बेंचमार्क लिया है। उसमें भी अगर आप देखें तो ग्रीन कलर का जो ग्राफ जो कर्व लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है KSE 100 की 10 ईयर्स के रिटर्न की प्रोजेक्शन है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्लियरली उसने
सुपर परफॉर्म किया है कंपैरिजन विद द इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स ऑफ लास्ट 10 इयर्स एवरेज रिटर्न. सो इट्स क्लियर इंडिकेशन दैट केसी 100 इंडेक्स में जब कोई एक इंडिविजुअल शख्स क्लियर माइंड के साथ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिविटी के साथ फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर रहते हुए एक पोर्टफोलियो को बिल्डअप करता है तो उसके साथ कभी भी ये सुनने में हमें नहीं मिलेगा कि फला इतने लॉसेस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले को ये प्रॉब्लम्स रहते हैं. लॉन्ग टर्म वाले का एक एवरेज रिटर्न का मोमेंटम एक पैटर्न बनता जाता है जो कि एवरेज रिटर्न को डिपिक्ट कर रहा होता है. तो उसमें आपको कहीं भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट अगेन डिसीजन इज योर्स. आपका रिस्क एपेटाइट हमारे लिए वैल्यूएबल रहता है. आप उसके हिसाब से मनी मैनेजमेंट करें. मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू सी ईदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कंपोजिशन डिसाइड करें. इस तरह की वॉलेटिलिटी में वी जस्ट एडवाइज अवॉइड 100% शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अवॉइड 100% ट्रेडिंग पार्ट. इसको कंपोजिशन को इस तरह कर दें कि 70-30 या 80-20. सो दैट विल गिव यू अ गुड यील्ड. ओके, लेट्स मूव ऑन. हियर द डिविडेंड यील्ड. If you see the peer countries or Asia region ke andar hi rehte hue dekh le kafi countries ke andar, so we are again at the higher side. Pakistan benchmark KSE 100 index dividend yield is at 5.37%. Compare with jo hum bar bar comparison karte hain India ke sath, to wo 1.19% hai unka. And if you talk about China, to it's 2.01%. तो अगेन अगर आप कुछ ना करें और लेके अगर अच्छे डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के अंदर फंडामेंटल, जो कि आजकल मैं काफी बार हमारे मिड वीक मार्केट रीकैप सेशन के अंदर भी मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, रिकरिंग बेसिस पर मैंने ये कहा है कि अगर फंडामेंटल स्टॉक्स स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स जो आजकल हैं जिस रेट पे अवेलेबल थे और जो बल्कि अभी भी चल रहे हैं उसमें डबल डिजिट आपको डिविडेंड यील्ड ग्रोथ मिल रही है. सो व्हाट एल्स यू वांट. 6% 5.5% बैंक डिपॉजिट पे लेना और आपको घर बैठे बैठे फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर, वैल्यू स्टॉक्स के अंदर आपको 10% 11% 12% जैसे डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड मिल रही है, तो और क्या हमें रिटर्न के अंदर रिक्वायरमेंट होगी. कैपिटल गेन तो एक अलग बात है. जब हम 2-3 साल बाद बेचते हैं तो उसकी प्रोजेक्शन क्या है. यू आर गेटिंग राइट नाउ द करंट फंडामेंटल्स पे रहते हुए आपको इतनी अच्छी डिविडेंड यील्ड ऑफर हो रही है. So you're getting 5.37% on an average KSE 100 index benchmark dividend yield. Baki countries ko wo aap dekh rahe hain aur iske hisab se hum Pakistan ko dekh lein, to defensive level wale investor jinka risk covers kam hai, jo risk covers investor hain ya jo kam risk leke kaam karte hain, wo to bahut acche levels pe apne acche dividend yield ko materialize kar rahe hain. So fundamental stocks ke andar aap rehte hue aap apni dividend yield Pakistan ke aap dekh sakte hain ki average dividend yield 5.37% hai compared to the rest of the countries. Let's move on. If you talk about the price to earning multiple, to usme bhi Pakistan is one of the cheapest country among other countries. If you compare with this graph, to hum dekh rahe honge aap ki hum 6 to 6.5 times ki PE multiple pe hain. Compared to agar aap India mein dekhen to they are touching towards 25 times. अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना इज मोर ऑर लेस 13 टू 14 टाइम्स. सो वी आर अगेन चीपर ऑन दिस फंडामेंटल टेक्निक एज वेल, बिकॉज प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल डिसीजन मेकिंग के लिए या स्टॉक्स की सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि वी आर चीपर अमंग द अदर कंट्रीज. ऑलराइट, द थर्ड टेक्निक इज प्राइस टू बुक वैल्यू, जिसपे मैंने आपको बहुत ज्यादा फोर्सफुली पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि अगर बैंकिंग स्टॉक्स की भी बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स के तमाम स्टॉक्स की प्राइस टू बुक वैल्यू इस वक्त बहुत चीप है कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स. एंड प्राइस टू बुक का जो कंपैरिजन बेस्ट जो नजर भी आ रहा होता है फंडामेंटली, वो हमें बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर ही नजर आता है. तो अगर आप देख रहे हैं कि तमाम बैंक्स इस वक्त वन से भी लेस है प्राइस टू बुक के कंपेयर टू अदर. चाइना के अंदर अगर आप बात करें तो 1.5 को क्रॉस कर रहे हैं 1.5 टाइम्स. इंडिया के अंदर अगर आप बात करते हैं तो 3.5 टाइम्स को क्रॉस कर रहे हैं. तो अगेन इस फंडामेंटल टेक्निक के अंदर भी रह के बात करें तो ये भी प्राइस टू बुक वैल्यू पे क्वाइट चीप है इन कंपैरिजन विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज. सो दैट्स कंक्लूड दिस वंडरफुल वेबिनार सेशन, जिसपे मैं हैंड ओवर करूंगा लास्ट में हमारे फाउंडेशन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ ऑनलाइन डिपार्टमेंट मिस्टर नजीब वारसी, जो कि आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे रिगार्डिंग हमारे ऑनलाइन प्रोडक्ट के हवाले से, कौन कौन से हमारे पास ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह आप उसको
हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं और किस तरह आप उसको यूज कर सकते हैं वाया डिफरेंट लेवल्स. ठीक है, तो नजीब काइंडली आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें. Okay, thank you, Professor Bhai. Basically, this is a segment of investment investment in PSX, and now I can tell you how to invest in PSX. You can first you can pick a broker like Foundation Securities, then you start trading or investment in PSX. So this is a part how to investment how to open your broker account in Foundation Securities. So first, I brief you regarding the PS Foundation Securities. फाउंडेशन सिक्योरिटी जो है वो एक ब्रोकरेज हाउस है. 16-17 साल से हम ब्रोकर सर्विस दे रहे हैं रिटेल क्लाइंट्स को, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को और फॉरेन क्लाइंट्स के लिए. वी आर फर्जी फाउंडेशन ग्रुप कंपनी जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो कंग्लोमरेट है. और इसके अलावा हमारे बहुत बड़े क्लाइंटेल था रिटेल का, उसके लिए हमने तकरीबन 10 साल पहले एक लॉन्च किया था फाउंडेशन एज जो कि रिटेल क्लाइंट्स के लिए ऑनलाइन प्रोडक्ट था जिसमें रिटेल क्लाइंट्स ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो कर सकते. ग्रेजुअली हमने उसको इन्हेंस किया, उसके अंदर फीचर्स को ऐड किया ताकि बेस्ट सर्विस जो है वो हमारे क्लाइंट्स को अवेलेबल हो और उनकी जो नीड्स है इन्वेस्टमेंट की उसको फुलफिल करें. फिर रिसेंटली डेवलपमेंट है ऑन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की है. फाउंडेशन सिक्योरिटीज अकाउंट खुलवाने के लिए बहुत ईजी है कि आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और वहाँ जाके आप डिजिटल अकाउंटिंग का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे फिल कर दें. 5-6 लाइन्स फील्ड्स हैं उसे आप फिल कर देंगे और फिर आपको एक OTP जनरेट हो जाएगा. OTP जनरेट होकर आपके मोबाइल पे आएगा, आप वो OTP को वेरीफाई करेंगे और फिर आपके पास एक और पेज खुल जाएगा जिसमें आप अपने अकाउंट के अकाउंट डिटेल्स हैं वो फिल करेंगे. इट्स टेक मैक्सिमम 20 मिनट्स क्योंकि आप उसे फिल करके सबमिट कर देंगे. विद इन 24-40 आवर्स आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा. जैसे आपका अकाउंट एक्टिव होगा आपको फाउंडेशन सिक्योरिटीज की तरफ से एक यूजर आई डी एंड पासवर्ड से होगा आपके ई मेल पे. आप उससे लॉग इन कर लेंगे अपने जो भी आपको बेस्ट अवेलेबल प्लेटफॉर्म है मोबाइल पे, वेब पे या डेस्कटॉप पे और फिर वहाँ से आप स्टार्ट ट्रेडिंग करेंगे. वी आर इसके अलावा हम जो रिसर्च मोबाइल की एप्लीकेशन है उसके अंदर हमारा एक और फीचर है रिसर्च पोर्टल का जो कि इसके अंदर आपको मार्केट्स की आइटम्स के सारे लाइव रेट्स मिल जाते हैं, हिस्टोरिकल रेट मिल जाते हैं और उसके अलावा रिसर्च रिपोर्ट्स मिल जाती है आपको फाउंडेशन की. उसके अलावा आपको चार्ट्स हैं उसके अंदर, लाइव चार्ट्स हैं, हिस्टोरिकल चार्ट्स हैं, फीचर्स हैं उसके अंदर, आप इंडिकेटर्स आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे पोर्टल के अंदर जो कि इंडिकेट हुआ है हमारे ऑनलाइन टर्मिनल से जिसको आप मोबाइल से, वेब से और डेस्कटॉप से अटैच कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं. अब वैसे भाई इसको कंक्लूड करेंगे. ऑलराइट, थैंक यू फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग ऑडियंस एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन द वेबिनार. We are looking forward if you have any specific query regarding today's event or agar aapke paas future mein bhi koi queries hain to please do contact us at info@fs.com.pk, info@fsh.com.pk. Our call toll free number is 0800-872-33, right? Or you can even contact to our UN number as well from you can easily catch from the website as well. Right, so this is what the initial impression on the investment advices and that the product that we are offering you. So please feel free if you have any question related with today's webinar. We are looking forward for any queries or any specific questions if you have. Are we allowed to take any questions in the chat box or either they are allowed to contact us directly? I don't know whether question we have allowed the questions or not. Let me check the chat. All right. So far there are no questions that are coming from the PSX. So we are thankful enough for the management and the entire crew of the PSX that they provide us the opportunity and the platform to conduct this investment webinar. And we are looking forward in the near future as well to conduct such webinars to, you know, educate our client
and customer base, right? Thank you.